चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं हम, और प्रीवियस क्लास में हमने ईटीएस को समझा था किस तरीके से ईटीएस के द्वारा जो है एनएडीएच और एफएडीएच2 की जो एनर्जी है, जो प्रोटॉन है, उनकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा। तो बच्चों ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में टोटल 12 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स पाए जाते हैं। इन ऑक्सीडेटिव स्टेप्स में जिन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है वो अपने प्रोटॉन को और अपने इलेक्ट्रॉन को किनको दे देते हैं, एनएडी को और एफएडी को, और इससे क्या बन जाते हैं, NADH2 बन जाते हैं और FADH2 बन जाते हैं। फिर उसके पश्चात बच्चों जो NADH2 है और जो FADH2 है वो अपने प्रोटॉन को और अपने इलेक्ट्रॉन को हाफ ऑक्सीजन को दे देते हैं। ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्चुअल रिएक्शन क्या है रेस्पिरेशन की, कितने वाटर मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और कितने CO2 के रिलीज होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज होते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, केमी, और उसके लिए मैंने स्केच भी बनाया था, केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये मैं नोट्स में भी भेजूंगा आपको ये थ्योरी। ये किसने दी थी, पीटर मिचेल ने दी थी, और ये इनर मेम्ब्रेन पर पाई जाती है ये जो प्रोसेस है। तो पीटर मिचेल ने ये बताया कि जो NADH2 और FADH2 से जो क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो बनते हैं उनसे जो हाइड्रोजन आयन है, जो प्रोटॉन है, वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उनकी बाहर की सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, जिनसे एक ग्रेडियंट बनता है, एक पोटेंशियल बनता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और फिर अगेन जो H+ आयन है वापस से मूव करते हैं, तो जो F1 पार्टिकल्स हैं, जो हेड पीस है, वहां से वो H+ जब निकलते हैं तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जाते हैं और ATP को बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस थ्योरी को कहते हैं हम केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। तो इसमें जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो F1 पार्टिकल के अंदर है उसे हम ATPase कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, कि कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कितने रिलीज होते हैं। आपने ग्लाइकोलाइसिस समझ लिया है, आपने क्रेब्स साइकिल को भी समझ लिया है, ETS को भी आपने पढ़ा, और आप एक से दो बार और प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और मैं आपको आगे का बताता हूं कि इसमें क्या होता है। ठीक है बेटा, हाँ, मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं, NADH+H+O2+3ADP+PI and plus 3 ATP plus H2O। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया, एक और रिएक्शन लिखता हूं जो सही रिएक्शन है, 6 C6H12O6+6O2 and plus 8H2O। ठीक है बेटा, और फाइनल आएगा इसमें 6CO2+14H2O, और इसको और
एक्यूरेसी में लिखें अगर, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 8H2O प्लस 36 ADP प्लस H3PO4 एंड CO2 प्लस 14H2O प्लस 36 ATP हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ऑक्सीडेटिव स्टेप क्या है, कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब सेल के दौरान जो भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव स्टेप्स कहते हैं। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में टोटल 12 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स पाए जाते हैं। तो इनमें जो इंटरमीडिएट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, वो अपने हाइड्रोजन आयन को एंड इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, NAD को और FAD को देते हैं, और इससे क्या बनते हैं, NADH2 बनते हैं और FADH2 बनते हैं। ओके बेटा, देन फिर बाद में ETS के अंदर क्या करते हैं कि जो ये NADH2 है और ये जो FADH2 है, ठीक है, एक पेयर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन आयन का यानी कि 2H+ और इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, O2 को, हाफ O2 को, और इससे क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर होगी बात आपके? तो यहां पर ये रिएक्शन क्या है, NADH plus H plus हाफ O2 plus 3 ADP plus इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, NAD बन जाएगा, ये दो H plus, ये दो H इसको एड हो जाएंगे, ठीक है, 3 ये H2O बना लेगा, और इनकी जो ग्रेडियंट है, एनर्जी है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ADP और फॉस्फेट के मिलने से क्या बन जाएगा, 3 ATP बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो बच्चों अब बात करते हैं कि एक कंप्लीट रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन के कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हमने जो पहली इक्वेशन देखी थी वो थी C6H12O6 6O2 एरो करके फिर 6CO2 6H2O और 36 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन जो एग्जैक्ट रिएक्शन आती है वो ये आती है, इसमें ये शो हो रहा है कि एक ग्लूकोज के एरोबिक ब्रेकडाउन में 6O2 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 8 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। वाटर के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। और क्या बनता है एट द एंड, 6CO2 रिलीज होती है और 14H2O बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर वाटर की बैलेंसिंग क्या है कि 8 मॉलिक्यूल तो कंज्यूम होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, और 14 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और CO2 की बैलेंसिंग देखें तो 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं और 6 CO2 बनते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को और एक्यूरेट करना है, और एक्यूरेसी में लिखना है, तो यहां पर अपन एनर्जी का और बता देंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 8H2O प्लस 36 ADP प्लस H3PO4 क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा, 14H2O बनेंगे और 36 ATP के एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है बेटा। तो 36 ATP मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टूड? तो ये बेटा एकदम राइट और एग्जैक्ट रिएक्शन है कंप्लीट रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। ओके, यहां तक बच्चों आपके क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो, क्योंकि रेस्पिरेशन का टॉपिक यही कंप्लीट हो रहा है, अब इससे रिलेटेड अदर टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, एक बार सारे हैंड रेज कर दो। यस, थैंक यू बच्चों, आदित्य, दिशांत, हिमाद्री, पूजा, तबस्सुम, तरुण, हाँ बेटा आप भी हैंड रेज करके बता दो कि यहां तक टॉपिक क्लियर है आपके सारे, हिमाद्री, पूजा, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, अब कंपेंसेशन पॉइंट एंड एम्फीबॉलिक पाथवे। हम
तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट, ठीक है बेटा। और एक और टॉपिक ले लेते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक बच्चों ध्यान से देखिए कंपेंसेशन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कंपेंसेशन पॉइंट। बट बच्चों जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का कंजप्शन होता है, CO2 का यूज होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है। तो ये अगर इक्वल है, ये बैलेंस है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इक्वल इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसका कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं अपन एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है बच्चों, आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये एक ऐसी रिएक्शंस का ग्रुप होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं दे रिएक्ट, दे कंबाइन एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो इन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक पाथवे, उसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक होता है अपने सिंपलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो ये कैटाबॉलिक है। और एनाबॉलिक इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कई सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल भी बनते हैं, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो इसलिए फिर रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, रेस्पिरेशन के दौरान जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है तो कैटाबॉलिज्म के साथ साथ ही इंटरमीडिएट कई सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कई सारे कंपाउंड बनते हैं, ओके बेटा। तो ये एनाबॉलिज्म को भी शो करते हैं, तो इसलिए रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, अंडरस्टूड। तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे का क्वेश्चन थियोरिटिकल एग्जाम में एक या दो मार्क्स का आ सकता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आरक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का सकता है, और इससे रिलेटेड आगे के जो पॉइंट समझाऊंगा वो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं।
आरक्यू क्या है बच्चों? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब. तो ये जो रेशो है इसे हम क्या कहते हैं? आरक्यू कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट कहते हैं. रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी CO2 इवॉल्व होती है और जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट. ये वन हो सकता है, लेस देन वन हो सकता है, या मोर देन वन हो सकता है. तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का आरक्यू लेस देन वन होता है या मोर देन वन होता है या वन होता है, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लेते हैं हम आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों हमेशा वन होता है. आरक्यू ऑफ, ये अब कंपटीशन के क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना आप. आरक्यू ऑफ, आप चाहें तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 + 6H2O + एनर्जी ठीक है बेटा. तो आरक्यू ऑफ, नहीं सॉरी, आरक्यू कर देते हैं. तो आरक्यू यहां पर अपन को क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं. हाँ जी, तो बच्चों यहां पर देखिए, आपको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू है, जो ग्लूकोज का जो आरक्यू है वो हमेशा वन रहता है. यहां देखिए, आरक्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2. CO2 कितना निकला, इवॉल्व हुआ है? 6. ठीक है बेटा. और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है? 6. तो आंसर क्या आएगा यहां पर? 1. तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का जो आरक्यू वो हमेशा 1 रहेगा. ठीक है बेटा, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनता है ये. ठीक है, अब आगे मैं आपको जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स का आरक्यू समझा देता हूं. सेकेंड हम लेते हैं आरक्यू ऑफ फैक्ट. तो इसमें बच्चों कई सारे एग्जांपल्स हैं. H98O6 145 102 CO2 + 98 + एनर्जी. आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, वैसे मैं नोट्स भी सेंड करूंगा इसके, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2. तो यहां आ जाएगा. हाँ बच्चों, अब देखिए, फैक्ट जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में यूज आता है तो वो स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना जो फैट्स होती है, जो फैटी एसिड्स हैं या जो ग्लिसरॉल है, उनका जो आरक्यू है वो हमेशा लेस देन वन रहता है. ठीक है ना. तो यहां पर एक रिएक्शन लिखी है मैंने, ग्लिसरॉल ट्राई पामिटीन C51H98O6, ये फॉर्मूला है इसका. 145 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं,
102 CO2 रिलीज होते हैं, 98 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और एनर्जी बनती है। तो CO2 कितने निकले हैं, 102 अपॉन ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, 145 कंज्यूम हुआ है। तो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 0.7, कितना आएगा 0.7। तो ये इसका RQ रहेगा, 0.7 RQ रहेगा ग्लिसरॉल का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो RQ है वो है सेकंड RQ ऑफ फैट से कर रहे हैं हम, C57H104O6+83O2 57 CO2+58H2O+ energy और ये है बच्चों ग्लिसरॉल ट्रायोलेट, ग्लिसरॉल ट्रायोलेट। ठीक है, और इसमें आएगा 57/83, आंसर आएगा 0.69, यानी कि लेस देन यूनिटी हो गया। इसमें देखिए बच्चों, ग्लिसरॉल ट्रायोलिएट में 83 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, 57 CO2 बनते हैं, 52 वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। तो RQ क्या आएगा बच्चों, CO2 57 है और ऑक्सीजन कितनी है 83 है, तो 0.69, यानी कि लेस देन यूनिटी और लेस देन 1 इसका RQ रहेगा। ठीक है बच्चों, आप लास्ट तक बने रहो क्योंकि ये RQ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बेटा, फटाफट से मैं रिमेनिंग करवाता हूं आपको। एक पामिटिक एसिड का भी RQ देख लेते हैं हम, C16H32O2+11O2। ठीक है बेटा, यहां आ जाएगा C12H22O11+4CO2+5WM H2O। ये है फॉर्मूला पामिटिक एसिड का। किसका, ये पामिटिक एसिड का फॉर्मूला ये। तो इसमें बच्चों RQ क्या रहेगा, 4CO2 यूज हो रहे हैं और 11O2 कंज्यूम हो रहे हैं, तो आएगा 0.36। यानी कि पामिटिक एसिड अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में यूज आ रहा है तो उसका RQ क्या रहेगा, 0.36 रहेगा। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आपको प्रोटीन का भी बता देता हूं बच्चों। थर्ड जो है प्रोटीन में, मैं अपन कोई एग्जांपल नहीं लेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि जो प्रोटीन का जो RQ है वो लेस देन 1 रहता है। ध्यान रखना बच्चों, जो प्रोटीन का RQ है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन ऑर्गेनिक एसिड, फोर्थ हम लेते हैं RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का जो RQ है उसमें फर्स्ट अपन लेते हैं RQ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। RQ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का क्या रहेगा, पहले तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH2+O2, यहां आएगा 4CO2+2H2O+6.2 kcal। बेटा ये
चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थ्योरेटिकल में भी आए हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है। जब ये रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में काम आता है, तो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में काम आता है तो एक ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, 4 CO2 रिलीज होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 60.2 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो RQ आएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 4, वॉल्यूम ऑफ O2 1 4, यानी कि मोर देन 1। तो क्या आपने यहां क्या समझा कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका RQ हमेशा मोर देन 1 रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो था ऑक्सैलिक एसिड का एग्जाम्पल। एक और हाँ, इसके बाद में हम लेते हैं RQ ऑफ सिट्रिक एसिड। RQ ऑफ सिट्रिक एसिड, बेटा मैं इक्वेशन लिख देता हूं, 2C6H8O7 +9O2 12CO2 +8H2। आंसर आएगा 1.33। यानी कि बच्चों सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड में के ब्रेकडाउन में 9 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं, 12 CO2 रिलीज होते हैं, तो 12/9 करने पर 1.33, यानी कि सिट्रिक एसिड का भी जो RQ है वो मोर देन 1 रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन लेते हैं जल्दी से मैं बच्चों ये कंप्लीट करता हूं, और RQ ऑफ मैलिक एसिड बता देता हूं, फिर अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। RQ ऑफ मैलिक एसिड में C4H6O5 +3O2 4CO2 +3 water। तो बच्चों यहां पर देखिए मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन में 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, मैलिक एसिड का फॉर्मूला है, और 4CO2 निकल रहे हैं, तो 4/3 करने पर आंसर आएगा 1.33, यानी कि मैलिक एसिड का RQ भी बच्चों मोर देन 1 रहेगा। इस चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में RQ क्या रहेगा। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज है सीधा ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना, इथाइल अल्कोहल बना और CO2 रिलीज हुआ और 21 किलो कैलोरी एनर्जी बनी।
तो आरक्यू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सीओ टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओ टू। वॉल्यूम ऑफ सीओ टू कितना है यहाँ पर, टू है, और ओ टू कितना है, जीरो है, तो जीरो को टू से डिवाइड करेंगे, जीरो से टू को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिट। यानी कि आरक्यू क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इसे क्या कहेंगे, प्रैक्टिकली हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो आरक्यू है वो मोर देन वन रहेगा। क्या रहेगा, मोर देन वन आंसर सही रहेगा, और कहीं ऑप्शन में अगर इन्फिनिट दे रखा होगा तो इन्फिनिट रहेगा। तो ये बच्चों इस तरीके से इसकी इक्वेशन है। हाँ, तो 11th क्लास ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेशन चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज है, प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछिए आप। किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, कुमकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग सर।